कोई है? कोई है? यहाँ कोई हिंदी बोलने वाला नहीं है क्या? आप क्यों चिल्ला रहे हैं सर? चिल्लाऊ नहीं तो क्या गाना गाऊं मैं? नो हॉट वाटर इनसाइड। वेडनेसडे है ना सर, इसलिए नहीं मिलेगा। वेडनेसडे को गर्म पानी नहीं, ये क्या बात हुई? हाँ सर, सोमवार को नहाने भी नहीं चाहिए, मंगलवार को मटन नहीं खा सकते, सिर्फ गुरुवार को अंडे खा सकते हैं। ये रूल्स यहाँ फॉलो करने पड़ते हैं। ये बकवास रूल्स किसने बनाए? मैंने। ये कौन है? तुम हैदराबाद के पीए हो तो मैं शारजहा का पीए हूँ। ओह, तो मतलब हम दोनों सेम टू सेम है। नाइस टू सी यू। सॉरी, हम दोनों सेम टू सेम नहीं है। क्यों? रुपया और दिराम एक है क्या? तुम्हारे रुपए से हमारी कंट्री में पानी की एक बूंद नहीं आएगी, हमारे दिराम से तुम्हारी कंट्री में पानी की फुल बोतल आएगी। ओ, पैसे का क्या है, कुत्ते भी कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ का दिराम इंसान ही कमा सकता है। ओहो, वैसे ये बेकार के रूल्स। बॉस का ऑर्डर है, अगर ना माने तो मारने को कहा है। सुनो सर, का वास्तु क्लियर हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ सर। करवाओ। ये वास्तु क्या है, क्लियरेंस क्या है, हाथ में क्या है, क्या ये? जब खड़ा रहा नहीं तो गिर जाएगा। गिर गया तो? सर, इस तरफ बढ़ गया सर। इस तरफ मतलब पेट? तुम्हारा नहीं बढ़ा है क्या? उसका हो सकता है लेकिन तुम्हारा नहीं चलेगा। सुनो, इसे दिन में एक बार से ज्यादा खाना नहीं देना। शादी करने आए, टॉर्चर क्यों कर रहे हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पेड़ा, पेड़ा प्रसाद। पेड़ा? पेड़ा मतलब क्या हुआ? सर, लंदन से मेरा बेटा आ रहा है। एयरपोर्ट कार जा चुकी है सर, ही शुड बी हियर इन 30 seconds। गुड, ये क्या हाल बना रखा है सर? वो वाटर प्रॉब्लम है। तुम जल्दी से रेडी होकर आओ। आप जाइए, मैं रेडी होकर आता हूँ सर। hey, तुम ऐसे नंगे मत घूमो यहाँ पर। क्यों? यहाँ के शेख तरह तरह के शौक पालते हैं। इसका मतलब इज्जत खतरे में। आई एम बैक। आई मिस यू डैडी। कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ। स्टडीज कैसी चल रही है? स्टडीज बुलशिट। स्टडी के नाम लेते हैं, मुझे उल्टी होने लगती है डैडी। ऐसा लगता है कि भाग के आपके पास आ जाऊं। That's my boy. आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे भक्त हनुमान को देख लिया हो। आपके लिए 9 ग्रहों की पूजा करवाई थी, ये लीजिए। ब्लेसिंग अंकल। ए दोस्त, तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह नहीं है, बहुत ऊपर जाएगा। तेरी तो, तुझे ऊपर भेज के मैं तेरा सब कुछ हड़प लूंगा। ओह माय गॉड, ये राहु काल है, इस समय बाहर नहीं होना चाहिए। चलो चलो अंदर चलो। चलो चलो। हेलो बेटा। सर, किसी गाड़ी की चाबी दो। क्यों सर, अपने पास तो बहुत सारे। मुझे अकेले ही जाना है। ठीक है सर, तुम जाओ। ससुर जी। ये तो मर गया होगा। एयरबैग होगा ना? नहीं मरा होगा। ससुर जी जाइए। परेशानी तो नहीं होगी ना? मैं हूं ना ससुर जी, जाइए। एम्बुलेंस। पेड़ा, कैसे हुआ ये? हिट एंड रन केस है सर। हेलो, हैदराबाद से शंकर बोल रहा हूँ। हैदराबाद से शंकर का फोन। हेलो सर, भाई का नंबर मिला है। नहीं मिला तो आपको फोन किया सर। जो कुछ हुआ भाई ने आपको बताया ही होगा। सब बताया मुझे, तो अब क्या है? नरसिम्हा और उसके सारे लोगों ने ओल्ड सिटी से किसी ट्रेवल एजेंट से पासपोर्ट बनवाया, ये इन्फॉर्मेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी शारजहा आए होंगे। मैं देख लूंगा, रखो तुम। क्या हुआ भानु? बाबा शक है कि दुश्मन शारजहा में घुस आए हैं, मार डालो सबको। मानो जी। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। पिछले 4-5 दिन में हैदराबाद से शारजहा जितने लोग भी आए हैं, उन सब की मुझे फोटो आइडेंटिफिकेशन विद एड्रेस चाहिए। जरूर भेज दो जी। गेट मी ऑल द डिटेल्स ऑफ द पैसेंजर्स हु ट्रैवल्ड फ्रॉम हैदराबाद टू शारजहा द लास्ट 1 वीक। जी साहब। रुको भानु, 5 मिनट के लिए हिल। क्या हुआ बाबा? शनि तीसरे चरण में जा रहा है, समय ठीक नहीं है। शनि? अच्छा अंकल, आप वहीं क्यों रुक गए? आइए ना। 5 मिनट तक नहीं आ सकता बेटी, शनि तीसरे चरण में है। ये भी ना उल्लू का पट्टा ही है। सर प्लीज ट्रैक दिस। क्या है ये?
थाईलैंड का तेल है क्या? सर के सिर पर लगाना है? No, it's urine. Give it in the lab. छी छी, ये है? डिंपल, मेरे पापा जी की यूरिन को छीछी कह रहा है. Give respect. यूरिन को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा. ओहो, रेस्पेक्ट यूरिन के लिए नहीं, जिनका है उनके लिए करो. और तुम यूरिन यूरिन करके 10 बार मत चिल्लाओ यार. फिर क्या कहना चाहिए मुझे? सुसु कहना चाहिए. लैब जाओ. ठीक है बेटा. आ रहा है वो, आ रहा है. डिंपल जी, ये क्या हो गया? तुम पनौती, तुम यहाँ, तुम कहाँ से आ गए? वो भाई का सुसु था. चुप कीजिए सर, ये कोई अमृत या प्रसाद था, जाने दीजिए ना. अरे आप बोलो तो हम सब मिल करके दे देंगे, किसी न किसी का मैच हो ही जाएगा. तुम्हारे घटिया आइडिया से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई. अब दोबारा यहाँ किस लिए आए हो? की हुई गलती को सुधारने आए हैं सर. सुधारने आए हो या बिगाड़ने? सच बता रहे हैं सर, उस डुप्लीकेट ने ही हम आपके फैन ने जानकर प्लान करके हमें इस्तेमाल किया, इसलिए हमने उसका अगला प्लान जानकर उसका शारजा तक पीछा किया. उसी ने भाई की कार का एक्सीडेंट भी किया. क्या कहा? ये एक्सीडेंट उसने किया? हाँ सर, टाइम पर भाई को अस्पताल ले आने वाला सीनू ही था सर. तुम्हारी बातों को कितनी बार सच मानूं मैं? आप नहीं मानोगे ये मुझे पता है सर, इसलिए आपको कुछ दिखाना है. अब क्या दिखाना? आइए सर. आइए. ये कौन है? ये डुप्लीकेट भाई हैं, कोमा में चले गए. रुको मैं बता करा. रुकिए सर, ऐसी बेवकूफी करोगे तो कैसे चलेगा? क्यों, क्या हुआ? युद्ध में कितने लोग मरते हैं लेकिन परमवीर चक्र सिर्फ एक को ही मिलता है. परमवीर चक्र खुलकर बताओ ना. हाँ सर, इसे पकड़वाओगे तो पीठ थपथपाकर बस एक बार शाबाश बोलेंगे, लेकिन इसने खाए 100 करोड़ अगर हम दिलवाएंगे तो. परमवीर चक्र कबूल कर लीजिए सर. ऐसे क्या सोच रहे हैं सर? तुम लोग तो मुझसे भी बड़े सर लल्लू हो. क्या सर, आप हमें ऐसा क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, इससे पैसे वसूल करके उसको क्या देना, हम लोग खुद ही दबा लेंगे. और परमवीर चक्र थोड़ा लेट होगा सर. सर इसीलिए सर आप इस पोजीशन पर हैं. सर आपके फ्रेंड्स की वजह से आपके भाई आज जिंदा हैं. ये बात अगर उन्हें पता चली तो आपका पोजीशन रिमेज. वाह, सच कहा तुमने. उन्हें अब तक नहीं पता कि बचाने वाला कौन है. मेरा ही एक फैन है, ये उन्हें बताना ही होगा. मेरे साथ आओ, चलो. सर सर, तो इनका क्या करें सर? हाँ, इसका क्या करें? आपके कंट्रोल में रहेगा तो अच्छा रहेगा. वेरी गुड आइडिया. हाँ, इसे मैं अपने विला में सीक्रेटली छुपा लेता हूँ. ब्याज समेत कैसे वसूल करना है वो मैं देखूंगा. ए तुम लोग यहीं पर रहना, तुम मेरे साथ आओ. ओके सर. तुम यहाँ क्यों आए हो? ये कौन है, मैं जान सकता हूँ? He's a cheater. No, ये नहीं है. तुम्हारे पापा को बचाकर हॉस्पिटल लाने वाला यही है. यही है? हाँ सर. उस टाइम तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं वहाँ था इसीलिए समय पर इन्हें यहाँ लेकर आ सका. करेक्ट. आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे इन्हें बचा के इसने गलती की. वैसे आप मेरे फैन का इस तरह अपमान नहीं कर सकते. आई डोंट लाइक दिस. तुम्हारा फैन? हाँ सर, मेरे फैंस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है ये. अंजलि. आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं पापा? मेरी बेटी हो ना. थैंक्स बेटा. इट्स ओके सर. अगर ये वहां नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं बचता. देख लिया ना, सुन लिया ना सर, मेरे फैन के रक्तदान और अन्नदान की वजह से ही आज आप यहाँ जिंदा लेटे हो सर. और आपने मुझे गलत समझकर मेरा बायां और दायां गांव सुझा दिया सर. शादी होने तक इन्हें हमारे साथ ही रहने दो. लेकिन हमारे साथ क्यों पापा? मेरी थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी बेटी. ए दोस्त, रख लो, हिम्मत मत तोड़ना. लेकिन एक बात है, तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कराया गया है. ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? हाँ बेटी, वो नरसिम्हा और उसके लोग शारजा में आए हैं ऐसा शक है. अगर ये सच है तो एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा. नरसिम्हा मतलब? तुम्हारा बाप. वो अभी तक जिंदा है? अंकल मुझे शादी से पहले उसकी मौत देखनी है. दिखाऊंगा, परेशान मत हो. अगर वो शारजा आया है तो वो और उसके लोग कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा. तुम रेस्ट करो दोस्त. क्या हुआ अंजलि, अभी तक मुझसे नाराज हो गया? देखो तुम मेरे डैड को तो कन्विंस कर सकते हो लेकिन मुझे नहीं कर सकते, क्योंकि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर. Once a lover, always a lover. ये कुछ नए तरह का कोमा पेशेंट लगता है. इसकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, मुंह नहीं खोलता. कोई रास्ता नहीं, इसे शॉक देना ही होगा. क्या हुआ, बोल बताना. ऐसे क्या देख रहा है? आंखें नहीं खोलनी है, मुंह खोलना है. बोल बे,
जल्दी बोल, पैसे कहाँ है बता, जल्दी बोल, बोल। अबे बोल ना। ओए, तू मेरे बारे में नहीं जानता, भाई को हलवा दे चुका हूँ, तू किस खेत की मूली है? सर करंट ज्यादा है, कहीं टपक ना जाए। नहीं जाएगा, डिवाइजर ऑन किया हुआ है। सर एक काम करता हूँ, आपके लिए एक पैक बना कर लाता हूँ। यू आर राइट, पैक बना जाकर। ए, जब तक मैं पैक खत्म करके आऊँ तब तक सब कुछ सच बता देना, अगर नहीं बताया ना तो पेपर की तरह फाड़ डालूंगा, आंखें नोच कर कौओं को खिला दूंगा। गधा कहीं का। क्या सर आप सच में भाई को बेवकूफ बना देते हो? वो बाहर वालों के लिए भाई है, मेरे लिए खिलौना है। उसे कितनी बार तो मैंने रुलाया पता है? सुनो, उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, रुखसाना नाम की मस्त आइटम थी, उसे मैंने पटा लिया। दुबई जाने का इससे झूठ बोलकर मैंने उसे अपने बंगले पे रखा हुआ है। तो रुखसाना को तूने रखा हुआ है? रुखसाना मस्त फिगर है। घूर क्या रहा है? तेरी गर्दन ऐसे क्यों लटकी हुई है? क्या है, तेरी गर्लफ्रेंड जैसे मैंने पटा ली हुआ ऐसे देख रहा है? एक दूंगा ना तो मुंह घूम जाएगा। ऐसे घूर रहा है जैसे कि ओरिजिनल भाई हो। हे, ऐसे कईयों को सही किया है मैंने। जब तक मैं कैद में हूँ तब तक तुम सब जिंदा हो। सर इसके होश में आकर पैसों के बारे में बताने के बाद हमारा हिस्सा हमें दे दोगे ना? किसका कैसा हिस्सा बे? ये क्या बोल रहे हैं सर आप, हम बांटेंगे कहा था ना? क्या किसको बांटेंगे, गली में घूमने वाले के साथ कोई हिस्सा बांटता है क्या? ए, प्लेस मेरा है, प्लान मेरा है, रिस्क मेरा है, करंट मेरा है, तो पैसा भी तो मेरा ही हुआ ना। ए, मैं पैसों का बहुत बड़ा पागल हूँ। आफ्टर ऑल मेरे फैन ने मुझे थप्पड़ मारा। हम तुम्हारे फैन और तुम हमारे हीरो, किस फिल्म में काम किया है तुमने? तुमने ही कहा था ना। अच्छा डांस करके दिखा। मुझे डांस नहीं आता, कहो तो वीणा बजा दूं। हाँ वीणा बजाएंगे, तू नाचेगा, सूरदास है क्या तू? आवाज ऊंची हो रही है, तुम्हारा हाथ भी तो उठ रहा है। ये देख, अगर हमारा हिस्सा हमें नहीं मिला तो हालत बहुत ही बुरे हो जाएंगे। पकड़े से चलो रे। उसे थप्पड़ क्यों मारा सीनू? उसका रिजल्ट तुम्हें कल पता चलेगा। दोस्तों आज से मेरे बेटे की शादी के दिन तक एवरीडे पार्टी है। यस बुलशिट, क्या है ये, सारी प्रॉपर्टी एंजॉय पार्टी के नाम पे खर्च किया जा रहा है, लगता है ये मुझे भिखमंगा बना के छोड़ेगा। मेरी बॉस की जायदाद तुम्हें कैसे मिलेगी? इसके मरने के बाद मेरी ही होगी ना। यस हे दोस्त, बहुत जल्दी रिकवर हो गए तुम। आई एम हैप्पी। बाबा का आशीर्वाद ले लो। बाबा आयुष्मान। क्या बदलाव, क्या भक्ति है। तुम्हारे ग्रह अनुकूल नहीं है, सावधान रहना होगा। दोस्त देखो, मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी साथ में कितने खुश लग रहे हैं। हाय। अरे दामाद जी, ये कॉम्बिनेशन मुझसे देखा नहीं जा रहा है। एक घंटा रुको ससुर जी, कॉम्बिनेशन के साथ कैरेक्टर भी बदल जाएगा। समझ गया, लंगी बाबा ना। यस आप जाइए, तैयार हो जाइए। सर डिंपल जी, क्या हीरो लग रहे हो यार। दिन में तो ऐसे ही कहते हो लेकिन रात होते ही वीणा स्टेप तबला स्टेप कह के बजा डालते हो। सॉरी सर, सब उन गधों की वजह से हुआ, इसलिए उन्हें वापस भेज दिया। तो तुम यहाँ क्यों हो? भाई ने रुकने के लिए बोला ना। तुम मेरे फैन हो कि भाई के फैन हो? भाई के पास आया हूँ लेकिन फैन आपका हूँ सर। बड़े चालाक हो। भाई वहाँ टेंट में है, आपको अर्जेंट बुलाया है। ओहो मतलब डायरेक्ट मिलने लगे, जाली चीज है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ। अब पिड़ा जी। हाँ क्या है सर? भाई उस टेंट के पास कुछ सीक्रेट बात कर रहे हैं, वहाँ किसी को जाने से मना किया है। सीक्रेट? डिंपल, वो अटलांटिक होटल के 1065 में लुंगी बाबा नाम के एक बाबा जी हैं, उन्हें ये कैश देकर तुरंत यहाँ से वापस जाने को बोल दो। लेकिन क्यों सर? क्योंकि वो मेरी पुरानी पहचान वाले हैं। अंजलि की शादी के लिए जब उन्हें कुंडली दिखाई तो उन्होंने कहा कि लड़की की कुंडली में दोष है। अब ना मैं तो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन भानु को अगर पता चल गया तो वो शादी रोक देगा। सर मेरे मन में एक डाउट है, अगर कुंडली में दोष है तो ये बात भोले बाबा ने क्यों नहीं बताई? अरे उसे कुछ नहीं पता। देखो भानु ने वाइफ की डिलीवरी इसके कहे डेट पे रखी थी ना। हाँ। क्या हुआ, रोहित के पैदा होते ही बीबी मर गई। अरे वो एक फेक बाबा है, बस वो सर्वाइव के लिए यहाँ पड़ा रहता है। क्या बात कर रहे हो पेड़ा? सर सर उनके सीक्रेट को मैंने सीक्रेटली सुन लिया है, उनके भरोसे अगर आपने रोहित की शादी करवा दी तो जितना भी खर्चा हो जाकर उस लुंगी बाबा को तुरंत लेकर आओ। ओके सर। ये बाबा अभी पता चल जाएगा। प्रणाम लुंगी बाबा, प्रणाम। लुंगी आशीर्वाद, लुंगी आशीर्वाद। बाबा मेरा बेटा रोहित।
नमस्ते बाबा जी। इसके चेहरे पर ग्रह दशा खराब क्यों देख रही है? दशा? कौन सी दशा? ए, दशा भी नहीं मालूम, तुम काहे के बाबा हो? भानु क्या बोल रहे तुम? चुप रहो, 30 जगह बताई थी तुमने लेकिन तेल सिर्फ 3 जगह निकला, बाकी जगह क्यों नहीं? वहाँ तेल बचा ही नहीं इसीलिए। अच्छा, मेरी बीवी की डिलीवरी डेट तुमने फिक्स की थी लेकिन वो तो मर गई, बताओ क्यों? उनका टाइम हो गया था, चली गई। अब तेरा टाइम हो गया है, चल निकल यहाँ से। भानु तुम मेरा अपमान कर रहे हो। काट डालूंगा, चल निकल यहाँ से। आप कहिए बाबा, 4 दिन में मेरे बेटे की शादी होने वाली है। शादी? कन्या कौन है? अंकल। बाबा अंजलि। असल में मैच नहीं हो रहा है, कन्यादान कौन करेगा? दोस्त। अब जाइए ससुर जी, जाइए। डिंपल भद्रा, तुम क्यों ग्रहों से खिलवाड़ कर रहे हो? इस शादी के लिए मैंने मना किया था ना? वो ना, मुझे इन सब पर भरोसा नहीं। लेकिन मुझे है बाबा, इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा। हाँ है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा कष्ट भरा और मुश्किल है। कोई बात नहीं बाबा, अब बताइए। इस बिटिया की उसी मुहूर्त में एक नकली शादी करवानी होगी, उसके 24 घंटे के बाद दोस्त भी मिट जाएगा और दूल्हा भी मर जाएगा, उसके बाद आप जिसे चाहो उसकी शादी करवा सकते हो। तो ठीक है ना, किसी को भी लाकर चुपचाप शादी करवा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम सीक्रेटली इंसान को बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन ग्रहों को नहीं, वो सब ऊपर से देखते हैं। सही कहा ना बाबा? करेक्ट, सारे सांस्कृतिक विधि विधान पूर्ण करने होंगे और सबके सामने विवाह समारोह करना होगा, उसके बाद बिटिया के ऊपर के सारे दोष बिल्कुल मिट जाएंगे। दोस्त ये संभव नहीं है, अपने देश से इतनी दूर हमारे जैसा कौन मिलेगा? एक है। है? कौन है डिंपल? मेरा फैन सीनू। सीनू? इम्पॉसिबल, मैं उससे नहीं करूंगी, आई हेट सीनू। इसीलिए तो, उससे करोगी तो लेट हो जाएगा ना। शादी है ना बेटी, मान जाओ। ये मान भी जाएगी तो उसे कौन मनाएगा? जाने दीजिए ना सर, मैं मनाऊंगा ना उसे, वो थोड़ा पैसों का लालची है। जितना मांगे दे देंगे, मना लो। ज्यादा नहीं देना, बस 1 करोड़ दे दो। 1 करोड़? हाँ, मैं तो 1 करोड़ रुपए में मना लूंगा, तुमसे तो 1 करोड़ दिरहम मांगेगा, चलेगा क्या? रहने दो, तुम ही जाओ। ये आप क्या कह रहे हो सर? सच कह रहा हूँ, 1 करोड़ देंगे। 1 करोड़ के लालच में आकर भाई की बेटी से शादी कर लूं, और वो भी नकली शादी? मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही है। क्या है कि अंतरात्मा? खाने पीने के लिए पैसे है नहीं लेकिन नखरे देखो। अंतरात्मा अपने तक रखो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। अरे आती हुई लक्ष्मी को कोई ठुकराता है क्या? वैसे ये नकली शादी क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कहीं मर जाऊंगा क्या? हाँ, पैर की एक उंगली कट जाएगी बस। ऐसा है तो वो खुद भी कर सकता है। बेकार की बातें मत करो, करोड़पति हाथ पैर पे रिस्क नहीं लेते। तुम ये शादी करोगे मैंने कमिट किया है, देखो मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है, बोलो करोगे या नहीं? ठीक है सर, आपकी इज्जत रखने के लिए मैं अपनी अंतरात्मा को भी मार देता हूँ। 1 करोड़ में हिस्सा तो नहीं मांगेंगे ना? छी छी, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, सब रख लो। तेरे बात तो सब मेरा ही है। क्या सर? अरे कुछ नहीं, तुम तैयार हो ना? ओके सर। थैंक्स यार, मैं अभी जाकर उन्हें ये बात बताता हूँ। मुझे मारेगा ना, देखना शादी के बाद तेरे ग्रह तेरे साथ क्या करते हैं। क्या बात है, राजी हो गए? डिंपल ने तुम्हें क्या कहा पता नहीं, पर ये शादी करोगे तो 24 घंटे के अंदर मर जाओगे। नो प्रॉब्लम, 24 घंटे तो तुम्हारा पति बनकर रह लूंगा, वो काफी है। एक और बात बताऊं मैं, प्यार एक बीमारी है, उसकी दवा बस प्यार करना ही है। जैसे मरना है मरो। बात ही मत करो, बहुत बड़ा चीटर है। अच्छा, वैसे तुम मेरी शादी में आओगी सोचा नहीं था, तुम्हें लेकर आकर बहुत बड़ी चीट की है उसने। मेरी डिलीवरी पर तुम्हें लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी ना उसने। तुम लोग उसके फ्रेंड्स हो या मेरे फ्रेंड्स हो? तुम्हारे ही फ्रेंड्स हैं। छोड़ो, ये बताओ आज का प्रोग्राम क्या है? आज हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। दुल्हन बनने के बाद बाहर नहीं जा सकते, समझी? हाँ, ये नकली शादी है, तुम दोनों भी इसे सीरियसली मत लो। ओके, कम लेट्स हैव फन। ओके चल। Welcome. तुम यहाँ क्यों आए हो? हमने बुलाया इसे। अंजलि, तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगी लेकिन हमें नहीं है। इसके बाद भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग चले जाते हैं। रहने दो, just stay away from here. अब मैंने तुम्हारी गर्दन थोड़ी पकड़ रखी है। Shut up. ओहो, अब चुप करो, चलो चलते हैं। बाप रे, इतना ऊंचा, मेरे बस की बात नहीं है। अरे ये तो कोई भी कर लेगा यार। ठीक है, पहले मैं करती हूँ फिर तुम लोग करना। ओके अंजलि, अंजलि प्लीज, अंजलि संभल के। अंजलि संभल कर, प्लीज अंजलि संभल के। ओके, ओह गॉड, रॉबी इज नॉट डेड।
Thank God. You might have died. मरा तो नहीं ना? Thank you, Sinu. लेकिन बिना सेफ्टी के आप ऐसे कैसे कूद गए? उस पल मैंने अपने बारे में नहीं सोचा था, अंजलि के बारे में सोचा था। अगर वो चली जाती तो मैं अकेला रहकर क्या करता? तुम्हारे प्यार को नफरत में बदलने की कोशिशें करती आई हूँ, तुमसे नफरत करने लगी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। I love you, सीनू। अंजलि, ये तो सच है ना? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मतलब ये बाबा के लोग और ये नकली शादी अगर झूठ है ये पता चला तो फिर से? इन सब बातों को तो भूल जाओ, बस तुम्हारा प्यार सच्चा है ये मुझे समझ में आ गया है। तब तो वो सब मेरा ही नाटक है। What? और क्या, कोई उल्लू का पट्टा अगर शादी कर लेगा तो मैं देखता खड़ा रहूं, इसलिए ये सब किया? बस इतना ही ना? या मेरे जानने के लिए और भी कुछ बाकी है? हाँ है ना, लेकिन मेरे बताने से अच्छा है कि तुम खुद ही जान जाओ। जरूरत नहीं है, तुम्हारे बारे में पता चल गया उतना ही काफी है, अब और मुझे कुछ भी नहीं जानना।